हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण। ठीक है, तो निर्माण आयोजन के बारे में हम लोग क्या किए थे, स्टडी कर लिए थे। निर्माण आयोजन होता क्या है, ठीक है, और उसके क्या क्या मतलब पेश होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समय निर्धारण क्या होता है, और या इसे अनुसूचन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, अनुसूचन बोलते हैं। तो अनुसूचन क्या कहलाता है, तो आप लोग सुने होंगे, शेड्यूलिंग करना, कोई काम को क्या करना, एक समयबद्ध तरीके से कराना या करना, क्या कराता है, शेड्यूलिंग कराता है। कोई भी एक्टिविटी हो उसको क्या करना है, समयबद्ध तरीके से कराना, तो क्या कहलाता है आपका, अनुसूचन कराता है। तो हम कह सकते हैं कि आयोजन के विभिन्न एक्टिविटी को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य एक व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, क्रियाबिंदु तक किया जा सके। ठीक है, ध्यान रखना, आयोजन की विभिन्न संक्रियाओं को समयबद्ध करके इस प्रकार अनुक्रमण में रखना जिससे संपूर्ण कार्य क्या हो, एक बिंदु पर किया जा सके व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनुसूचन बोलते हैं। ठीक है, या समय निर्धारण भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, आयोजन में क्या करना है और कैसे करना है, कैसे किया जाए का निर्णय लिया जाता है, जबकि अनुसूचन में कार्य कब करना है का निर्णय लिया जाता है। ये वैसे थोड़ा सा अंतर होता है, आप लोगों में ध्यान दीजिएगा कि आयोजन में क्या करना है और कैसे किया जाए का निर्णय लिया जाता है, जबकि अनुसूचन में कार्य कब करना है का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अनुसूचन के लाभ, अनुसूचन के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है क्रियाओं की सूची। परियोजना के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली निर्माण क्रियाओं की उपयोगी सूची बना ली जाती है, जिससे हमको ये पता हो जाती है कि कौन से कार्य कब करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है निर्माण समय का ज्ञान। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है निर्माण समय का ज्ञान। ठीक है, क्रियाओं में लगने वाली अवधि तथा इनके आरंभ एवं समाप्ति समय की जानकारी मिल जाती है हमको। किससे मिलता है भैया जानकारी, मिलता है हमको समय, जो भी निर्माण समय का जो ज्ञान होता है उससे, कि हमको कब समाप्त करना है किसी कार्य को, कब आरंभ करना है। ठीक है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, कुल अवधि, टोटल टाइम। तो परियोजना पर लगने वाली कुल अवधि ज्ञात हो जाती है, ये भी बात सही है। काम के अनुरूप क्या होते हैं, हमको ये पता चल जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं उस पर कितना टाइम लग सकता है। फिर चौथा जो पॉइंट होता है वह होता है निर्भरता। ठीक है, क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता का पता चल जाता है, अर्थात किस क्रिया के पश्चात कौन सी दूसरी क्रिया की जा सकती है, यानी कि ये चीज़ हम क्या करते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कि कब किस क्रिया के पश्चात कौन सी दूसरी क्रिया की जा सकती है। ठीक है, पाँचवा पॉइंट है निर्माण कर्मी। कुशल अकुशल श्रमिकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की संख्या ज्ञात हो जाती है। सिक्स पॉइंट है उपकरण व्यवस्था। परियोजना पर विभिन्न मशीनों के प्रयोग की अवधि की जा सकती है। ठीक है, परियोजना पर विभिन्न मशीनों के प्रयोग की, ठीक है, व्यवस्था की जा सकती है। सातवां पॉइंट है प्रगति की तुलना। ठीक है, सातवां पॉइंट है प्रगति की तुलना। तो निर्माण कार्य वास्तविक प्रगति तथा आयोजित प्रगति का मिलान करके पता लगाया जा सकता है कि कार्य संतोषजनक चल रहा है अथवा इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो जब हम काम की तुलना करते हैं एक्चुअल निर्माण से, तो हमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो काम चल रहा है और जो आयोजित काम चल रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, वो क्या चल रहा है, यानी कि दोनों में क्या कमी है, उसमें हम जनरली क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। फिर आता है संसाधनों का उत्तम उपयोग। ठीक है, निर्माण के लिए आवश्यक सभी संसाधनों, सामग्री, संयंत्र, श्रमिकों, समय, पूंजी का उत्तम उपयोग किया जा सकता
तो ध्यान देने वाली बात यह है आपको बेसिकली कि जब भी हम शेड्यूलिंग बना के कोई काम करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई शेड्यूलिंग बना के काम करते हैं सॉरी जब भी हम किसी काम को शेड्यूलिंग बना के करते हैं तो जो भी संसाधन रिसोर्सेस या मटेरियल्स होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं या लेबर होते हैं तो इनका हम उत्तम उपयोग कर सकते हैं। और जब तक हम शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक क्या होगा, हम उत्तम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 9 पॉइंट सुनिश्चित समापन। ठीक है, अनुसूचन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपलब्ध संसाधनों तथा क्षमता में घिरे रहते हुए परियोजना को निर्धारित अवधि में समापन का विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट जो है आपके क्या क्या लाभ हो सकते हैं तो जनरली हमको मिलता है जब भी हम शेड्यूलिंग बनाते हैं किसी कार्य को करने के लिए तो बेसिकली हमको वहाँ से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ठीक है, पहला लाभ हमने मिला क्रियाओं की सूची बन जाती है। ठीक है, पहला क्या मिला हमको, कोई भी क्रिया हो रही है उसकी क्या मिली, एक हमको लिस्ट मिल गए। फिर जो भी आप निर्माण समय का पूरा ज्ञान मिल जाता है, कौन सा निर्माण कितने समय में करना है, कब स्टार्ट करना है, कब उसको ख़त्म करना है। फिर हमको शेड्यूलिंग से भी पता चल जाता है कि कोई प्रोजेक्ट कितने अवधि में क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, या ड्यूरेशन में जिसको कहते हो टाइम कर सकते हो, टोटल टाइम में कितना समाप्त हो सकती है। फिर आती है निर्भरता, यानी कि क्रियाओं को एक दूसरे पर निर्भर पता चल जाता है कि कौन सी क्रिया अभी हम कितने स्पीड से और करें तो काम हम आगे बढ़ा सकते हैं, या एक काम जो है दूसरे काम पर कितना डिपेंड है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किस क्रिया के पश्चात कौन सी दूसरी क्रिया की जा सकती है। ठीक है, निर्माण कर्मी इससे भी पता चल जाता है शेड्यूलिंग बनाने से कि कौन से श्रमिक कुशल हैं कौन से अकुशल हैं, इससे से इनको संख्या पता करना क्या होता है बहुत ही आसान हो जाता है। फिर आता है उपकरण व्यवस्था। ठीक है, उपकरण व्यवस्था में क्या होता है, परियोजना पर विभिन्न मशीनों के प्रयोग की गई अवधि की भी पता कर चल जाती है। ठीक है, प्रगति की तुलना भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है संसाधनों का उत्तम उपयोग। जब भी हम शेड्यूलिंग बना के कोई भी कार्य करते हैं ना तो हमको जो संसाधनों का उत्तम उपयोग होता है वो जनरली हमको बहुत ही सटीक मिलता है। ठीक है, लास्ट आता है सुनिश्चित समापन। अनुसूचन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उपलब्ध संसाधनों तथा क्षमता के घेरे में रहते हुए परियोजना को निर्धारित अवधि में समापन करना, ये सबसे बड़ी बात है शेड्यूलिंग का। ठीक है, तो अनुसूचन में आपको पता चल गया कि जब भी हम कोई शेड्यूल बना के काम करते हैं तो क्या होता है, हमको उसका ज़्यादा कुछ असर दिखाई देता है। और फिर आता है कि अनुसूचन का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि अनुसूचन का जो वर्गीकरण है वह मुख्यतः 4 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, पहला है आपका निर्माण अनुसूची, सेकेंड है सामग्री अनुसूची, थर्ड है श्रम अनुसूची एंड फोर्थ है संयंत्र अनुसूची। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिविल परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के समानांतर निम्नलिखित अनुसूची अपनाई जा सकती है। ठीक है, ये सभी अनुसूचियाँ चार्ट रूप में तैयार की जाती हैं। ठीक है, ठेकेदार, प्रोजेक्ट इंजीनियर इन अनुसूचियों की प्रतियाँ बनवाकर खंड प्रभारी तथा निरीक्षकों को क्या करते हैं, अनुपालन के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो जो निर्माण अनुसूची होता है यानी कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है कि परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को इनके निर्माण क्रम में रखकर तथा इन पर लगने वाले समय को ज्ञात करके एक चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। ध्यान देना, परियोजना की विभिन्न जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनको एक क्रम में रख करके इन पर लगने वाले समय को ज्ञात कर लेते हैं और एक चार्ट के रूप में क्या करते हैं, इनको दर्शा देते हैं, जो निर्माण सूची कहलाती है। चार्ट द्वारा एक नज़र में सभी निर्माण क्रियाएं क्या होती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी कोई चार्ट द्वारा हम कोई क्रिया एक्टिविटी को शो करते हैं तो उससे क्या होता है, सारी क्रियाएं स्पष्ट रूप से हमको समझ में आ जाती है, या सामने वाला भी क्या करता है, समझ लेता है, और इन अनुक्रमण भी समझ में अच्छे से आ जाता है कि किस सिक्वेंस के पास कौन सा काम करना है। ठीक है, चाहे हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई हमको निर्माणाधीन काम कराना है, आपको कोई बिल्डिंग ही है आपका, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, निर्माण स्थल की खुदाई करेंगे, फिर नींव में मिट्टी की खुदाई करेंगे जो भी कितनी मीटर क्यूब में करना है आपको,
फिर चूना कंक्रीट कितना हमने न्यू में यूज़ करना है, ठीक है, फिर चिनाई ईंट का कार्य कितना मीटर क्यूब में करना है, या फिर आरसी जो वर्क हो रहा है, या फिर जो प्लास्टरिंग हो रहा है, सारा कुछ क्या करते हैं निर्माण सूची में शामिल करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड आता है आपका कि सामग्री अनुसूची, ठीक है, पहला था निर्माण अनुसूची, सेकेंड आता है सामग्री अनुसूची सॉरी निर्माण प्रोजेक्ट पर ध्यान से सुनिएगा, सामग्री अनुसूची में क्या होता है कि कोई भी आपका निर्माण प्रोजेक्ट पर विभिन्न सामग्री का जो परिमाप या फिर खपत होता है समय दर्शाने के लिए, खपत समय दर्शाने के लिए सामग्री अनुसूची तैयार की जाती है, ठीक है, यानी कि कितना कोई प्रोजेक्ट बनाने में कितना सामग्री का यूज़ हुआ है, ठीक है, क्या उसका परिमाण रहा है, ठीक है, उसका एक अनुसूची तैयार की जाती है, ठीक है, और इसके अनुसार कार्यस्थल पर सामग्री उपलब्ध करानी भी होती है, ठीक है। सामग्री को आवश्यकता अनुसार ही निर्माण स्थल पर लाना चाहिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही क्या कर सामग्री निर्माण स्थल पर रखें, अन्यथा इसके धूप आंधी वर्षा बाढ़ से क्या होता है नष्ट हो जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि सामग्री अनुसूची में यह डिसाइड हो जाता है कि जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है उतना ही हम क्या करें मटेरियल को वहाँ पे ला करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का अपव्यय ना होने पाए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि सीमेंट बालू चूना आदि की कार्यस्थल पर जगह भी क्या होती है घिर जाती है, ठीक है, तो सामग्री अनुसूची निर्माण अनुसूची के आधार पर ही तैयार की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सामग्री अनुसूची होती है निर्माण अनुसूची के आधार पर ही क्या कहती है तैयार की जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका श्रम अनुसूची, ठीक है, श्रम अनुसूची निर्माण कार्य पर कार्य की प्रकार तथा प्रगति के दर के अनुसार विभिन्न कुशल अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। श्रमिकों की संख्या कार्य की प्रगति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो भी आपके श्रम के अनुसार करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे जनरली जो भी आपके कुशल अकुशल श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको क्या करते हैं श्रमिकों की संख्या हम क्या करेंगे जो भी कार्य की प्रगति होगी उसके अनुसार घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, अंततः कुछ श्रमिकों को पास पर्याप्त काम न होने की वजह से उनको क्या होता है मजदूरी व्यर्थ चली जाती है, ठीक है। तो श्रमिकों की आवश्यक संख्या का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जिससे उनका व्यवस्था हो सके कि अचानक श्रमिकों को जुटाने में दिक्कत न आने पाए, ठीक है, क्योंकि अचानक श्रमिकों को इकट्ठा करने में क्या होता है दिक्कत आती है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं एक श्रम अनुसूची भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली श्रम अनुसूची निर्माण कार्य में के विभिन्न समयों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, ठीक है, श्रमिकों की संख्या क्षमता को क्या कर देते हैं दर्शाई जा सकती है, ठीक है। श्रम अनुसूची में निर्माण कार्य के विभिन्न समयों पर ध्यान देना विभिन्न समयों पर विभिन्न श्रेणियों के क्रम श्रमिकों की आवश्यकता क्षमता दर्शाई जाती है, ठीक है। चौथा आता है आपका जैसे हाँ जैसे उसमें भी जितने भी मैसन वर्क होते हैं मजदूर होते हैं मिस्त्री होते हैं, ठीक है, लोहार होते हैं, इन सब चीज़ों का क्या होता है हम माह वाइज क्या करते हैं सप्ताह वाइज उसको डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट संयंत्र अनुसूची, क्या आता है संयंत्र अनुसूची, ठीक है, संयंत्र अनुसूची। तो बड़े निर्माण कार्यों पर विशेष मशीनें तथा संयंत्र प्रयोग किए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उस पर हम किसी विशेष प्रकार की मशीनें ही यूज़ करते हैं, इसके लिए संयंत्र अनुसूची तैयार की जाती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं आपका इक्विपमेंट शेड्यूल तैयार करते हैं। संयंत्र अनुसूची निर्माण कार्य प्रारंभ करने से काफ़ी पहले तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर से भारी संयंत्र तथा निर्माण मशीनें मंगवाने पर क्या होता है पर्याप्त समय लग जाता है, पर्याप्त समय लगने की वजह से ही हमारा काम क्या होगा जो भी हमका कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा होता है वो डिले हो जाएगा। तो इसीलिए साइट इंजीनियर को यह स्पष्ट पता रहना चाहिए कि किस संयंत्र की कब आवश्यकता है, ठीक है, ये इसका विशेष क्या होना चाहिए। जैसे आपका जो भी आपका मान लीजिए स्तर की सफाई करना है, ठीक है, या खुदाई करना है, ठीक है, या कंक्रीट कार्य है कंक्रीट मिक्सर की जो भी आवश्यकता है, या फिर सड़क कार्य के लिए रोड रोलर से आवश्यकता है, तो हमको ये सब चीज़ों को क्या करना है कि सारे जो भी हमने पढ़ा अभी तक क्लासिफाइड में कि निर्माण का अनुसूचन कैसे करें सामग्री का अनुसूचन कैसे करें
श्रम का कैसे करें एवं संयंत्र का। तो संयंत्र का हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि असल इंजीनियर को, साइट इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि किस संयंत्र की आवश्यकता कब पड़नी है। ठीक है, ध्यान देना कि इससे इससे पता चल जाता है कि भाई हम कह रहे हैं कि कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है तो इसको पहले अगर हमको डिसाइड नहीं होगा कौन से मशीनों पे कौन से काम के लिए उपयोग है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कब क्या हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका संयंत्र अनुसूची होता है ये डिसाइड करता है कि कोई भी काम होने से पहले जनरली क्या करता है, ये ऐसी शेड्यूल बनाई जाती है संयंत्र की जिससे आपको बाहर से जो मशीनें होती है मंगाने में क्या होती है दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, इसीलिए विशेष तौर पर हम लोग जब भी ध्यान देना चाहिए जब क्लासीफाई किया जाता है तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपके ये पूछ लेता है। ठीक है, कि कितने प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया अनुसूचन को। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, सारे पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। बाई चार्ट अगर बाई चार्ट समझा सकते हैं तो और बढ़िया है। ठीक है, अगर चार्ट बनाकर समझा दें, जैसे मान लीजिए आपका संयंत्र अनुसूची है तो उसमें आप क्या करिएगा, एक कालम उलम बना करके उसमें कार्य का नाम, संयंत्र का नाम, कुल संख्या जो भी है, जिस मंथ में आपका कार्य चल रहा है, कितने कितने आवश्यकता पड़े हैं, सारे उसमें क्या करें मशीनों को संख्या को आप लोग दर्शा सकते हैं। इससे क्या होता है आपका शेड्यूलिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, थैंक यू।